आइए रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। पुलिस अधीक्षक श्री विवेक अग्रवाल के निर्देशन में एवं SDOP श्री सुजीत भदौरिया एवं बटियागढ़ थाना प्रभारी सुश्री इंदिरा सिंह के मार्गदर्शन में बटियागढ़ थाना उप निरीक्षक श्री MR बघेल, प्रधान आरक्षक 452 अक्षेंद्र नाथ, आरक्षक 151 शैलेंद्र सिंह राजपूत, 302 नरेंद्र कुमार द्वारा बटियागढ़ के फुटेरा तेरहा पर मुखबिर की सूचना पर एक रेडिगो कार में बैठे दो व्यक्तियों की तलाशी ली गई, जिसमें अखिलेश गर्ग पिता परशुराम गर्ग उम्र 23 साल निवासी घुराटा की तलाशी के दौरान एक 6 राउंड रिवॉल्वर एवं 3 जिंदा कारतूस मिले, जो साथ ही आरोपी ने खेत में भागने का प्रयास किया तो पुलिस ने उसे खेत से पकड़ लिया, एवं दूसरे व्यक्ति संजू उर्फ संजय पिता रघुवीर सिंह लोधी उम्र 19 साल निवासी घुराटा के पास से एक 12 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस मिला, जिसको कार सहित जब्त किया गया। प्राप्त हुई थी कि एक कार जो है फुटेरा रोड बाईपास बटियागढ़ पर खड़ी है, जिसकी सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस को शासकीय वाहन के भेजा। उसमें जब वहाँ मुखबिर की बताए स्थान पर वहाँ पुलिस पहुँची तो देखा कि एक व्यक्ति गाड़ी में से निकल कर भागने लगा, जिसको पुलिस ने घेर कर पकड़ा। पूछा उससे, उसके पास एक रिवाल्वर जो कि पैंट की दाएँ जेब की तरफ फंसी थी, और उनके रिवाल्वर के अंदर कारतूस मिले। और जो दूसरा व्यक्ति था वो कार के अंदर बैठा हुआ था, जिसको जिसकी तलाशी ली गई तो उससे एक 12 बोर का देसी कट्टा मिला और एक लाल रंग का 12 बोर का जिंदा कारतूस मिला। बटियागढ़ से राजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।